हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम जो है अपनी जो पिछली वीडियो में हमने रिग बनाई है ट्रैक्टर के लिए, वो हम आपस में बाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मैच सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद शिफ्ट सेलेक्ट जो है अपनी आर्मेचर करते हैं। कंट्रोल पी करके अगर हम ऑटोमेटिक वेट असाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं लेता। ये देखिए, हीट वेटिंग का जो है फेल का एरर है, तो इसको हम अंडू करते हैं। तो अगेन जो है कंट्रोल पी प्रेस करके इसको हम इस बार विद एम्प्टी ग्रुप्स जो है असाइन करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये सब बॉन्स के ऊपर हम अपनी मर्जी से वेट देना चाहते हैं, जितना वेट हम चाहेंगे एक बॉन्ड के ऊपर देंगे। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं। अब अगर मैं ये देखें, अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसने देखें सब अपनी जो हमारी बॉन्ड्स के नेम्स हैं वो सब इसमें आ गए हैं वर्टेक्स ग्रुप में। इसका मतलब ये जो 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 ये सेलेक्ट है वो सेलेक्ट करूँगा, उसके ऊपर अपनी मर्जी से वेट दे सकूँगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। ओके, तो अपने पॉज मोड में जाऊंगा। पॉज मोड में जाने के बाद अपनी बॉन्ड सेलेक्ट करूंगा एंड देन ऑब्जेक्ट मोड में ले जाने के बाद अब मैं अगर शिफ्ट से अपना करेक्टर सेलेक्ट करता हूं और यहां से मैं वेट पेंट पर चला जाता हूं तो कुछ इस तरह का व्यू हमें नज़र आता है। इस ब्लू ब्लू का मतलब ये है कि हमारी जो बॉन्ड के ऊपर कोई वेट नहीं है, तो इसको वेट देने के लिए ये जो रेडियस है, ब्रश है, इसको समझ लेते हैं। ये वही ब्रश है जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है, टेक्सचर पेंट वाली वीडियो में। तो अगर मैं इसको F दबा के रेडियस को छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो माउस से अपने जो है इसको छोटा या बड़ा कर लेता हूँ, और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो शिफ्ट F प्रेस करके मैं इसकी स्ट्रेंथ को बड़ा या ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। अब अपनी बॉन्ड्स को जो है सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल अपनी सिलेक्शन बटन का दबाता हूँ तो ये अपनी बॉन्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए, जो आप मैं यहाँ से ये वाली बॉन्ड सेलेक्ट करता हूँ ये नेक बताता है और ये वाली को हेड बताता है, जो कि हमने नाम दिए थे। अब कुछ सेटिंग है वो देख लेते हैं, फिर हम अपनी जो है रेडियस पर अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एडवांस में जाते हैं टूल्स के बाद और फ्रंट फेस ऑनली से हटा देते हैं और फॉल पर जाकर प्रोजेक्टेड पर कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो हम फ्रंट पर चीज़ें जो है फ्रंट पे जो पेंट करेंगे वो बैक पर भी हो जाएगा। जो सेमेट्री में जाकर एक्स मिरर को हम ऑन कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम जो काम इधर करेंगे वो इधर भी होगा, तो सेम टाइम इसकी बैक साइड पर भी होगा। ओके, तो ये देखिए, जो भी हमने यहाँ पर अभी ये देखें, हमने जो जो पेंट किया है वो दोनों साइड पर हो रहा है और देन कि उसकी बैक साइड पर भी हो रहा है। ओके, तो ये जब ब्लू से रेड हो गया है, इट मीन के ये वेट जो है इसके ऊपर आ चुका है। ये देखिए, जितनी जो हमारी हिस्सा जो है सेलेक्ट है, आई मीन जिसके ऊपर ब्रश हमारा रेडियस आया है वो असाइन हो चुकी हुई है। ठीक है, अब मुझे सिंपली यहाँ से जो है एक एक इसकी पूरी यहाँ से जितना चाहता हूँ मैं वो इससे दे सकता हूँ, मगर इससे देने का जो है प्रॉब्लम एक ये है कि अगर मैं ये देखें, जैसे कि इसके साथ मुझे ये वाली जगह भी देनी है तो ये सम टाइम इस तरह इसकी इस जगह पर भी वो आ जाता है। तो इसको अनडू कर देता हूँ और दूसरे तरीके से हम देखते हैं इससे जो इजी वे है। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड पर जाता हूँ तो और ये जगह सेलेक्ट करता हूँ वायर फ्रेम, और अच्छा पहले हम जो है यहीं से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाकर हम जो है एल दबाता हूँ तो ये हमारे जो जो हिस्सा है यहाँ वाला सिलेक्शन का वो सब इसमें से आ जाएगा। अब जो जो मुझे अपने हेडफोन पर देना है वेट वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मुझे ये इसकी जो इनर फेस है इसके टीथ भी मुझे इसी के ऊपर देने हैं। एल दबा के मैं सिंपली जो है उनको सिलेक्ट करता हूँ, दबाता हूँ, आई होप हमारा सारा फेस इनर फेस भी सिलेक्ट है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह मैं इसके जो है आईब्रोज वगैरह भी इसकी इसी के साथ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जो जो चीज़ मुझे अपनी जो हेडबोन के ऊपर, यहाँ से देख लीजिएगा हेडबोन सेलेक्ट हो, और अब अगर मैं शिफ्ट एच करके बाकी सब कुछ हाइड कर दूंगा और यही जगह मैं अपने पास ले आऊँगा जो पे हमने सेलेक्ट की है। अब मैं अगर इसमें से सीध बाता हूँ तो ये मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है। अगर मैं अपने मिडिल माउस को दबाता हूँ तो ये डी सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो मैं अपनी जो जो मुझे इसमें वर्ड नहीं चाहिए वो मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ, और वायर फ्रेम से जो है मुझे, अच्छा मैं अगर अपने माउस बटन को सिलेक्शन वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट करता है, और अगर मैं अपने व्हील क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो ये डी सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये तरीका है एक। ठीक है, आप अच्छे से जब ये चेक कर लें कि कौन कौन सी आपको हेडफोन के ऊपर जो है चाहिए वो देख लें आप। ओके, तो ये देखिए हमारा आराम से जब हमारी सारी सिलेक्शन हो जाए, जो जो हमें लगता है कि हमारी हेडफोन के ऊपर वेट होना चाहिए वो सब आप आराम से सिलेक्ट कर लें। हेडफोन मेक श्योर कि ये सिलेक्ट हो और असाइन करें। ये असाइन, ये देखिए वेट का जो है ये लेवल है कि आप कितना वेट देना चाहते हैं। हमने 100% उसका वेट जो है इसके ऊपर दे दिया। अब अगर मैं अगर टैब दबा के अपने पेंट वाले पे जाता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर इसने ले लिया हुआ है। अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल प्रॉपर रोटेट हो रहा है। बस दो चीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है, एक तो आँखें इसके साथ अटैच नहीं है और दूसरा ये कुछ एजेस हैं ये नहीं। तो उसको भी हम कर लेते हैं, आँखों को भी हल कर लेते हैं। तो हम जल्दी से अपने एडिट मोड पर वापस जाते हैं, वायर फ्रेम ऑन करते हैं, एज सेलेक्ट पर जाते हैं, और ये जगह के शायद जो है हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं वो जगह को हम प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और असाइन पर हिट करते हैं। अब असाइन पर हिट करने का मतलब ये है कि ये ऐड कर रहा है इसमें चीज़ें, ना कि ये बाकी सब कुछ छोड़ देगा और ये असाइन कर देगा। ये ऐसा नहीं करेगा, ब्लेंडर ने जो पहले असाइन किया है उसको ख़त्म खुद से वो नहीं करेगा जब तक हम ना चाहें कि वो जगह वो ख़त्म कर दे। तो ठीक है, अब हम जो है वापस वहाँ पर जाते हैं, देख लेते हैं। ये देखें अब बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ से थोड़ी सी जो है इशू हो रहा है, हमें जो हमारी बेल्ट वाली जगह है वो बिल्कुल प्रॉपर असाइन नहीं है इसमें। ये देखते हैं कि क्या मसला है इसका। ओके, तो एडिट मोड पर जाते हैं, अपनी ये जगह सेलेक्ट करता हूँ, 100% वेट कर देता हूँ इस पर। ठीक है, सेलेक्ट करो, अच्छे से सेलेक्ट कर लो, जिस तरीके से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको आसान लगता है उस तरह से असाइन करें, और फिर रोटेट करके देखें आप। अच्छा, ये देखें कि जो चीज़ें जो है ना नहीं भी होनी चाहिए वो भी यहाँ से आपको दिख रही होंगी कि हो चुकी हैं। ये जगह, लाइक मैं यहाँ से अगर देख पाऊँ आपको, ये देखें यहाँ से और यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। अब अगर मैं यहाँ से ठीक है, अपने अगर मैं ऑल टैच करके अपनी सारी चीज़ें वापस लेकर आता हूँ और ये जगह अपनी पूरी सिलेक्ट करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में है, हेडबोन सिलेक्ट है, रिमूव। अब मैं रिमूव का मतलब ये है कि जो जो मेरी अभी सिलेक्शन हुई हुई है इसमें, वो जितनी भी वर्टिसेस इसमें आई हैं मेरे सिलेक्शन में, वो अब ये डी सेलेक्ट कर देगा। रिमूव का मतलब ये है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं रिमूव करता हूँ तो अब ये सारी रिमूव कर चुका होगा। ठीक है, ये देखें अभी बिल्कुल प्रॉपर हमारा हेडबोन का हेड बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। ओके, कंट्रोल आर करके इसकी मैं रोटेशन ख़त्म करता हूँ, और देन अपनी यहाँ से मैं अगर आईज भी इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ तो बैक ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट सेलेक्ट आर्मेचर, अपनी पहले आई सेलेक्ट करें, आर्मेचर सेलेक्ट करें, कंट्रोल पी प्रेस करें एंड बॉन कर दें, देन वापस, सॉरी, अगर आप यहाँ से
अपनी बॉन बॉन सेलेक्ट करें, मोर्स मैच सेलेक्ट करें, वेट पॉइंट पर जाएं, देन अगर ये जगह पर जाके मैं इसको रोटेट करता हूँ अब चीज़ को अपनी, तो बिल्कुल प्रॉपर ये देखें आ रहा है जो कि आना चाहिए, आईएस भी इसके साथ है। ओके, तो नेक्स्ट बोन अपनी हम देख लेते हैं जल्दी से। अब हमारी जो नेक बोन है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और नेक बोन पर जितना वेट होना चाहिए हम वो दे देते हैं जल्दी से। अपना रेडियस थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ उतनी ही जगह पर करे जितना हमें चाहिए है। ठीक है, ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं। रोटेट करके देखते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, इसी तरह हम अपनी जो है शोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। शोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट मोड पर जाके इसको पॉइंट वेट के जरिए जो है देने की कोशिश करते हैं। वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं, एंड देन अपनी जो जगह है हमें जो चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये इतनी जगह होनी चाहिए इसके लिए, असाइन कर देते हैं शोल्डर इसके लिए, और अगेन अपनी ये वाली जगह सेलेक्ट करता हूँ और वायर फ्रेम में वापस चला जाता हूँ, आई मीन एडिट मोड में वापस चले जाता हूँ, और यहाँ से जाकर अपना ये जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मुझे इस तरह से वो भी असाइन कर देनी है। सिलेक्शन डी सिलेक्शन करने के बाद मैं असाइन कर देता हूँ शोल्डर आर को भी। ओके, तो हम अपनी स्पाइन वन को भी जो है असाइन करते हैं। स्पाइन वन के लिए मुझे लगता है ये जगह होनी चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले ये जगह इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पाइन वन की जो जगह है यहाँ से ये जगह से लेकर ये जगह होती है स्पाइन वन की, हमने वो सिलेक्ट की। ओके, तो जो चीज़ अगर रह जाती है तो हम वो वेट पेंट के जरिए कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप ये देखें यहाँ से जो है ऊपर चला गया यहाँ पर चिन पर, तो यहाँ से आप इसका जो है कम करें और इसको सबट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका है यहाँ से, तो अगर पूरा कर दूं मैं यहाँ पर, अगर दोबारा करूँ तो ये एक तरीका ये था, एक तरीका ये है, सबट्रैक यहाँ पर करें और सबट्रैक कर दें वो जगह से। ठीक है, और एक आपने रिमूव वाला तरीका तो पहले देख लिया है, तो ये तरीके हैं इसके। ये देखें, अगर आपको लगता है कि इसने कुछ ज़्यादा कर लिया है तो सबट्रैक यहाँ से सिलेक्टेड है, आप यहाँ से सबट्रैक कर दें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जो है स्पाइन वन को जो है सिलेक्ट करते हैं। स्पाइन वन को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है इसको एडिट मोड में ले जाते हैं। एडिट मोड में ले जाने के बाद थिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्शन तो जब सेलेक्ट हो जाए तो आप इसको असाइन करें, एंड देन अपनी जो रूट बॉन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रूट बॉन को सिलेक्ट करने के बाद रूट बॉन का जो है वेट है वो जो जहाँ जहाँ पर होना चाहिए वो जगह देख लेते हैं। एडिट मोड पर जाता हूँ, यहाँ से अपनी बेल्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बेल्ट पूरा होना चाहिए, एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, सिर्फ बेल्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं एडिट मोड पर ले जाकर इसको शिफ्ट सेलेक्ट पहले कर लेता हूँ, बेल्ट वाली जितनी भी आगे पीछे की वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये जगह है हमारे जो हमारे
रूट बॉर्न की है वो ये सारी होनी चाहिए और असाइन कर दें इसको। ओके देन अगर ये देखिए सिर्फ हमें स्टार्ट करने के लिए ये बताने हैं, इतना ज़रूरी है कि सिर्फ अगर मैं इसके बाद इसको अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ वेट को इसके या कम करना चाहता हूँ तो सब पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी भी टाइम पर किसी भी बॉन के ऊपर सब ट्रैक कर सकता हूँ, इवन जब मैं एनिमेशन कर चुका हूँगा तब भी। तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए तरीका बेहतर है, तो हमने सिर्फ स्टार्ट लिया है। और आप अगर मैं अपनी यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जॉइंट्स जब भी आप आपस में जो है मैच हो रहे होते हैं, जॉइंट जॉइंट टू जॉइंट जा रही होती है, तो कुछ ग्रेडियंट का जो है जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करता। लाइक अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये देखें इसका ग्रेडियंट जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये रोटेशन इसकी यहाँ से होनी है। तो अगर इसको मैंने ग्रेडियंट इसका बढ़ाना है तो सबसे पहले मैं इस जगह पर जाता हूँ, और अगर मैं अपना कंट्रोल और ऑल्ट को एक साथ प्रेस करके अपने माउस से ड्रैग करता हूँ वो जगह जहाँ पर होता हूँ, तो वो वहाँ से उसका ग्रेडियंट को आगे लेके चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ठीक है, ये तरीका है इसका। आप इस तरह से इसका ग्रेडियंट को उस तरफ ले जाएं और बाद में ये वाली बॉन्ड सेलेक्ट करें, और इसको अगर पेंट करते हैं आप यहाँ से यहाँ तक पेंट करें आप। ठीक है, एक फायदा ये, सॉरी, यहाँ से एक प्रॉब्लम हो रही है, ये इसी बॉन्ड का वेट जो है इस पे भी दे रहा है, जो कि बिल्कुल यूजलेस थिंग है। इसको हम सॉरी दोबारा कर लेंगे, अनडू करेंगे, और यहाँ से भी ये जो है प्रॉब्लम कर रहा है, इसी बोन का वेट ये यहाँ पर दे रहा है, जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस थिंग है। तो उसको हमने अनडू कर लिया वापस। अब मैं यहाँ से इसका जो एक्स मिरर वाला फंक्शन है उसको हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, यहाँ से बिल्कुल इस तरह। अब अगर मैं ये वाली बोन सेलेक्ट करता हूँ और पेंट करता हूँ, तो अब ये इसने यहाँ पर पेंट नहीं किया, इवन कि हमने इसने मिरर कर दिया है, जो चीज़ हमने यहाँ पर इस बॉन्ड पर किया है इसने इस बॉन्ड पर भी वो उसी तरह से उतना पे वेट ले लिया है। और अगर इवन कि मैं यहाँ से कुछ सबट्रैक करता हूँ, ठीक है, तो इसने यहाँ से भी उसको सबट्रैक कर दिया है। ओके, अभी मुझे फिलहाल सब ट्रैक नहीं करना है, मुझे तो इसमें पेंट करना है, मुझे मिक्स ब्रश पर सॉरी जाना है, उसकी स्ट्रेंथ को फुल कर लेना है, जस्ट पेंटिंग। ओके, तो जब ये हमारी सिलेक्शन हो गई है सारी, तो अब मुझे सिंपली जो है अपने इसको ग्रेडियंट्स को आगे बढ़ाना है, तो देन मुझे जो है सिर्फ इसके ऊपर ये है कि मैं अपने कंट्रोल और ऑल्ट को प्रेस करके सेंटर को स्ट्रेच करना शुरू करूँगा, अपने माउस के बटन को क्लिक क्लिक करके रखूँगा, और इसका ग्रेडियंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ गलत हो जाए तो यू हैव ऑलवेज ऑप्शन टू डी सेलेक्ट और रिमूव ऑल थिंग। भी आ गया होगा और यहाँ पर भी है आप इसी। ओके, तो इस वीडियो की जो पार्ट टू है वो कल अपलोड करूँगा, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है अगले पार्ट की,
अगर फिर भी आप नीचे कमेंट कर दें कि मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, लाइक इसकी जो फिंगर्स वगैरह हैं और बाकी का जो करेक्टर के पार्ट्स हैं, अगर वो पेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, आप इस तरीके से पूरे करेक्टर को अपने जो है वेट पेंट दे सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी, खुदा हाफिज़।